हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जगाधरी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्रॉम द चैप्टर साइज सेपरेशन साइक्लोन सेपरेटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर डज द साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड by centrifugal force. In the diagram we can see that this is the diagram of cyclone separator. It consists of a, now we will discuss about the construction. Cyclone separator consists of a short vertical cylinder which is conical at its base, and at the upper side of the vessel there is a tangential inlet at the left side, and at the top there is outlet for fluid. We can say that the fluid outlet. Cyclone separator क्या होता है? एक short vertical cylindrical vessel होता है जिसका जो base है वो conical होता है, और इसके top पे क्या है, एक फ्लूइड आउटलेट फिटेड होता है, और एट दी लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप देयर इज एन इनलेट फॉर द फीड विच इज टेंजेंशियल। अब ये टेंजेंशियल इनलेट क्यों किया है यहाँ पे? टेंजेंशियल इनलेट की वजह से जो हमारा फीड है, मतलब जो सॉलिड प्लस फ्लूइड का जो मिक्सचर है, जैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू दिस टेंजेंशियल इनलेट, उसे क्या मिलता है? रोटरी मूवमेंट मिलता है। रोटरी मूवमेंट मिलने से ही क्या होता है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दीज सॉलिड पार्टिकल्स आर थ्रोन टुवार्ड्स द वॉल्स ऑफ द वेसल। जैसे इन पे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ आते हैं तो इस टेंजेंशियल इनलेट की वजह से उन्हें क्या मिलता है, एक रोटरी मूवमेंट मिलता है। इस रोटरी मूवमेंट की वजह से यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुरू होता है, और उसकी वजह से ये सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे, इन दीज आर थ्रोन टुवार्ड्स द वॉल ऑफ द वेसल, दीज वॉल्स ऑफ द वेसल, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल आके थ्रो हो जाते हैं, और एट द एंड वी कलेक्ट दीज सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम दिस सॉलिड आउटलेट प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ दिस वेसल, एंड द एयर एंड द फ्लूइड एयर इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्लूइड आउटलेट एट द टॉप ऑफ द वेसल। सो नाउ वी विल डिस्कस इट डीपली। साइक्लोन सेपरेटर, इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम द फ्लूइड्स, एंड दिस सेपरेशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, उतनी ज़्यादा सेपरेशन जल्दी होता है सॉलिड पार्टिकल्स का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने देखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल विद कॉनिकल बेस, अपर पार्ट इज ऑफ द वेसल इज फिटेड विद टेंजेंशियल इनलेट एट द लेफ्ट साइड, एंड एट द आउटलेट फॉर सॉलिड इज अरेंज एट द बेस ऑफ द वेसल, द फ्लूइड आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्सन विच एक्सटेंड इनवर्डली। अब ये हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लूइड आउटलेट है इसको हमने एक्सटेंड किया है इनवर्डली अंदर की साइड, क्यों? इट स्टॉप्स द डायरेक्ट एंट्री ऑफ दिस सॉलिड प्लस फ्लूइड इनटू द फ्लूइड आउटलेट। नाउ वर्किंग द सॉलिड्स टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन स्ट्रीम ऑफ गैस और एयर, सच ए फीड इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट अ वेरी हाई वेलोसिटी सो दैट रोटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दिस रोटरी मूवमेंट दिस सॉलिड पार्टिकल्स रोटेट्स एंड देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स ओवर देयर, एंड ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द सॉलिड्स आर थ्रोन टुवार्ड द वॉल्स ऑफ द वेसल, एंड द सॉलिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सॉलिड आउटलेट विच इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वेसल, एंड द फ्लूइड इज कलेक्टेड एट द फ्लूइड आउटलेट एट द टॉप ऑफ द वेसल। नाउ व्हाट आर द यूजेस? साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द गैसेज, इट ऑल्सो यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, एंड इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ हैवी पार्टिकल्स और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइन डस्ट। नाउ नेक्स्ट इज आवर एयर सेपरेटर में भी क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं, बट इन केस ऑफ एयर सेपरेटर वी सेपरेट हैवी सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फाइन पार्टिकल्स।
देयर इज दी कंस्ट्रक्शन इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल वेसल इन एट द बेस इज कोनिकल एट द बेस देर आर टू आउटलेट्स वन आउटलेट फॉर फाइन पार्टिकल्स एंड सेकेंड आउटलेट फॉर हैवी पार्टिकल्स एट द टॉप ऑफ द वेसल देर इज वन फीड इनलेट जहाँ से दोनों प्रकार के सॉलिड्स हैवी एंड फाइन जिनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड एट द सेंटर ऑफ द टॉप देर इज ए शाफ्ट एंड एट दिस शाफ्ट देर आर फिटेड रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स एंड दिस शाफ्ट रोटेट्स बाय एनी इलेक्ट्रिक मोटर और जैसे ये रोटेट करते हैं रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स ये क्या करते हैं यहाँ पे एक रोटेटरी मूवमेंट पैदा करते हैं जिससे क्या होता है यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स स्टार्ट होता है और इसी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से ही सॉलिड दो प्रकार के सॉलिड जैसे हैवी सॉलिड्स एंड फाइन सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दिस डीपली. प्रिंसिपल ऑफ एयर सेपरेटर. इन एयर सेपरेटर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड्स. द एयर इन्वायरमेंट इज ऑब्टेंड बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड द रोटेटिंग ब्लेड्स. जो हमें मूवमेंट मिलती है एयर इन्वायरमेंट मिलता है वो किससे मिलता है रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग शाफ्ट से. कंस्ट्रक्शन में क्या है. कंस्ट्रक्शन इज शोन इन दिस फिगर. इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद कोनिकल बेस. द फीड इनलेट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द वेसल. द रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच टू द सेंटर शाफ्ट एंड टू प्रोड्यूस एंड दिस शाफ्ट एंड दिस ब्लेड्स एंड डिस्क प्रोड्यूस द एयर इन्वायरमेंट. At the base of the vessel, there are two outlets, one for fine particles and other for the heavy particle. Now, working of this, the disc and blades are allowed to rotate by means of a motor. These produce a current of air, as shown by the arrows in this diagram. The sample powder or the feed is introduced through the feed inlet. The feed falls on these rotating disc and blades. The fine particles are picked up and carried into the space. And at this space, there is air velocity is reduced, and the fine particles are dropped. Fine particles due to decrease air velocity, क्या हो जाता है? Drop हो जाते हैं, and they ultimately collected at the outlet meant for fine particles. The heavy particles which fall downward are collected from the outlet meant for the heavy particles. So this is the working of air separator. Uses air separator are often attached to the ball mill or hammer mill to separate and return the oversized particles for further size reduction. So this is all about this air separator. In today's lecture we discussed about cyclone separator and air separator. There is many differences in these diagrams, and first one thing we must know about that ke cyclone separator used to separate solid particles from the fluid and air separator used to separate the heavy solid particles from the fine particles. Thank you.